आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। नक्सलबाड़ी में नाबालिग की हत्या के आरोप में 3 गिरफ्तार। नक्सलबाड़ी के रतखोला में नाबालिग की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 बंद होटल के सुरक्षाकर्मी और 1 चाय दुकानदार जगदीश व्यापारी है। आरोपियों के नाम जगदीश व्यापारी, अजर घोष और देबेन मंडल बताया गया है। मंगलवार की रात शव बरामद होने के बाद बुधवार को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम के बाद शव को रतखोला लाया गया था। नाबालिग के शव को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसे देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को उतारा गया था। साथ ही मौके पर पुलिस सुपर, ग्रामीण DCP, नक्सलबाड़ी और फांसीदेवा के CI उपस्थित थे। इधर नाबालिग के परिजनों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आनंदमय बर्मन ने मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला अतिरिक्त पुलिस सुपर मनोरंजन घोष ने बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। खबर पुलिस के कच्चे आशा मात्र ही पुलिस तदंत शुरू करे एवं घटनास्थल जाए, मृतदेह उद्धार करे एवं सारा रात धरे विभिन्न टीम बनिए रेड करा है। घटना जड़ित 3 जन के अरेस्ट करा गया है। सर की नाम था 3 जन? जगदीश व्यापारी एकजन आ उधीर घोष और हे देवेन मंडल। देखो राज्य जे भाव एकटार पर एकटा खून धर्षण মায়েদের উপর বোনেদের উপর অত্যাচার সেটা আমরা দেখেছি। আজকেও নকশালবাড়ি এলাকা এই রথখোলার পাশেই, এটা আমার বিধানসভা এলাকার মধ্যেই পড়ে। এখানটা তো একটি ছোট্ট মেয়ে, কিশোরী মেয়ে, 16 বছরের তুলি বিশ্বাস, ভালো নাম পূর্ণিমা, তাকে গতকাল বিকেলবেলার থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরবর্তীতে সারা রাত খোঁজাখুঁজির পরেও না পেয়ে আজকে সকালবেলা তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। আমরা চাই যে যেই এই কাজ করে থাকুক, তাদের ধারণা যে পাশেই কোনো প্রতিবেশী এই কাজ করেছে, অবশ্যই যেই করে থাকুক না কেন এই ধরনের নৃশংস কাজ যে বা যারা করেছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া চাই। আমরা চাই উপযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ফাঁসি কাঠে ঝোলানো উচিত এই ধরনের ব্যক্তিদের, এবং রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন আর তাদেরকেও আরও সক্রিয় হওয়া উচিত। এই রাজ্যটা আগামী দিনে কোথায় যাচ্ছে, এই যে বাড়ি বাড়ি মদ ডেলিভারি করা, মদের দাম কমিয়ে দেওয়া, এই ধরনের যত কাজ হবে তার ফলে কিন্তু পরিণতি আগামী দিনে আমাদের রাজ্যের এরকমই হবে। আমরা চাই এই রাজ্য সরকার, পুলিশ প্রশাসন আরও সদর্থক ভূমিকা নেবে এবং রাজ্যের যে শান্তির পরিবেশ, সাম্প্রতির পরিবেশ, সেই পরিবেশ আগামী দিনে ফিরে আসুক। রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ 10 পর 2 বাহনকে আমনে সামনে কি টক্কর মে এক চালক নে গওয়াই জান, 2 লোক হুয়ে হে ঘায়ল। আজ রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ 10 পর 2 বাহনকে আমনে সামনে কি টক্কর হো গই, জহা এক চালক কি মৌত হো গই অর 2 লোক ঘায়ল বতায়ে জা রহে হে। ইস ঘটনা সে পুরে এলাকে মে হড়কম মচ গিয়া। জানকারি কে অনুসার करीब 11:30 पर सिलीगुड़ी से सिक्किम के चुंगथांग आ रही यात्रीगामी बस और सिलीगुड़ी की तरफ जा रही जंबो टाटा की राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के रियंग पुलिस चेक पोस्ट अंतर्गत 27 माइल क्षेत्र में आमने सामने की टक्कर हो गई, जहां टाटा चालक 33 वर्षीय रोशन तामांग, टाटा के खलासी रंजित तामांग और दक्षिण सिक्किम के रहने वाले बस चालक प्रकाश छेत्री इस दुर्घटना में घायल हुए थे। सभी को तत्काल उद्धार कर इलाज के लिए नजदीक के रंबी अस्पताल में ले जाया गया, जहां टाटा चालक रोशन तामांग की मौत हो गई है। सिलीगुड़ी नगर निगम की 47 सीटों पर 12 फरवरी को होगा मतदान। आज समाप्त हुआ प्रचार अभियान, वहीं आखिरी चरण में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने जमकर किया चुनाव प्रचार। सिलीगुड़ी नगर निगम की 47 सीटों पर 12 फरवरी को मतदान संपन्न होगा। शहर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है।
चुनावी माहौल को और सेट करने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों को अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रचार करते देखा गया। जहां आज चुनाव प्रचार अभियान की समाप्ति हुई और तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, वाम दलों तथा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के द्वारा रंगारंग तरीके से रैली का आयोजन कर जमकर चुनाव प्रचार किया गया, वहीं आरोप प्रत्यारोप का भी दौर रहा। सभी दल के प्रत्याशी अपनी जीत की उम्मीद लगा रहे हैं, वहीं लोगों से उन्हें वोट करने का आह्वान भी कर रहे हैं। आखिर किसकी होगी जीत और कौन बनेगा इस चुनाव का किंग मेकर, यह सब मतगणना के दिन साफ हो पाएगा। लेकिन इस बार के चुनाव बेहद दिलचस्प और तगड़ा होने वाला है। इतना समर्थन मिल रहा है लोगों का, स्वयं समूह ঠিক আছে, মানুষ ভোটদার মুডে আছে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের খুব বড় মেজরিটি ভোট হচ্ছে। না, দু একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে, সেটা কোনো ফ্যাক্টর হচ্ছে না। ফাইনালি ভোটটা পোলারাইজড হয়ে গেছে, উন্নয়নের পক্ষে মমতাবাদীর পক্ষে ভোটটা হচ্ছে। মানে এই বিক্ষুব্ধরা কোনো রকম ফ্যাক্টর না, না কেউই কোনো ফ্যাক্টর না। মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তাহলে কে, বিজেপি? না, আমি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাচ্ছি না। আমার মনে হয় লেপরা হয়তো বিজেপির থেকে একটু বেশি হয়। 10 दिनों से लापता युवक का आखिरकार मिला सुराग, फुलबाड़ी कैनल से मिला शव। 10 दिनों से लापता युवक का शव आज गुरुवार को फुलबाड़ी कैनल से बरामद किया गया। परिवार का दावा है कि प्रेम संबंधों को लेकर यह घटना घटी है। एनजेपी थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर 1 फरवरी से ही फुलबाड़ी के पश्चिम धनतला के 29 वर्षीय युवक आइबुल इस्लाम वह एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। काफी खोज के बाद 5 फरवरी को एनजेपी थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आइबुल की चप्पल फुलबाड़ी कैनल के पास बरामद किया। इससे पुलिस को संदेह हुआ कि और आपात सेवा के कर्मियों को लेकर कैनल में उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई। अंततः गुरुवार को कैनल से ही उसके शव बरामद किया गया। शव को आज पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा गया है। मृतक के काका अनवर हुसैन ने बताया कि आइबुल का धनतला की एक लड़की से प्रेम संबंध था, इसी कारण उसकी मौत हुई है अथवा और कोई कारण है, पुलिस यह जानने की कोशिश में जुटी हुई है। तो सीधा हम लोग जानते पा रहे हैं 1 तारीख रात 10 समय एक आज तक फोन करे बोले যে আমি দুটা নাম্বার দিচ্ছি, এই দুটা নাম্বার রাখিস, আর মেয়েটার ছবি ওর সাথে যেগুলো ছিল ওগুলো দিয়েছে। নেওয়ার পরে ওর ফোন সুইচ অফ, নিখোঁজ। তার 5 দিন পর আমরা ওর জুতো পাই কেনালে। আজকে আমরা ওর দেহ পেলাম কেনালে। কোন জায়গাটায়? বেরেজি গেটে। আচ্ছা আচ্ছা। আমরা কেসও করেছিলাম 5 তারিখে, প্রথমে একটা মিসিং ডায়েরি করছিলাম। যখন আমরা জানতে পারলাম যে এই ঘটনা, ওর একটা মেয়ের সাথে যোগ করছিল, তারপরে আমরা একটা গাড়ি বললাম, কেস করলাম। লেতে এক ছোটা সা ব্রেক, কহীন যাইয়েগা মত বনে রহিয়ে হামারে সাথ। সেবা কা সংস্কার তো ভারতীয় সংস্কৃতি কা হিস্সা হ্যায়। হাম তো বস ও হুনর দেতে হ্যায় कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरा मेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान।
अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गार्मेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गार्मेंट्स, सेकंड फ्लोर कौर शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, थर्ड माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। Damrose celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damrose showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान, इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता शंकर मालाकार ने लगाया विस्फोटक आरोप, प्रशासन का इस्तेमाल कर चुनाव प्रचार कर रही है तृणमूल कांग्रेस। सिलीगुड़ी के कांग्रेस नेता शंकर मालाकार ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर प्रशासन के सहयोग से चुनाव प्रचार करने का संगीन आरोप लगाया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रचार समाप्ति के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता शंकर मालाकार ने कहा कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस द्वारे सरकार और पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर चुनाव नियमों के खिलाफ प्रचार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के मंत्री के इशारे पर प्रशासन के अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजना के नाम पर तृणमूल विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों के साथ प्रचार कर रही है। इतना ही नहीं, इस अभियान में पुलिस भी बराबर की भागीदार है। इसके साथ ही उन्होंने मतदान के दिन गड़बड़ी का भी आशंका जताया। शंकर मालाकार ने कहा कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस कुछ भी कर ले, सिलीगुड़ी की जनता उन्हें इस चुनाव में नकार देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम में वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के बोर्ड गठन करने का दावा भी किया। विधि नियम नीति ना मेने द्वारे सरकार प्रति वार्डे प्रत्येक बूथे द्वारे रेशन निये चाल डाल निये बसे आछे এবং তারা চাল দিচ্ছে, দুয়ারে রেশন দিচ্ছে এবং সরকারি কর্মচারীরা প্রচার করছে তৃণমূলকে ভোট দিন। তৃণমূলের জন্য কোনো আইন কোনো নিয়ম নেই। গত 10 দিন ধরে সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল প্রশাসনের কাছে মিটিং মিছিলের পারমিশন 7 দিন 8 দিন 10 দিন ঘুরেও তারা পায়নি। হয় ওসি থাকে না, নয় এসডিও থাকে না, নয় নির্বাচন কমিশনের লোক থাকে না, নানাভাবে
বিরোধীদেরকে হয়রানি করেছে। আমাদের আশঙ্কা নির্বাচনের দিন প্রশাসন, পুলিশ, তৃণমূল সুস্থ অবাধ নির্বাচনটাকে ভেঙে চুরমার করার একটা প্রক্রিয়া নেওয়া হচ্ছে। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে শিলিগুড়ির সমস্ত নাগরিক যারা শিলিগুড়ি পৌরসভার ভোটার তাদের কাছে আমাদের আবেদন, নিজের ভোট নিজে দিন, সকাল সকাল ভোট দিন, গুন্ডা সন্ত্রাসকে রুখে দিন। কারণ শিলিগুড়িতে আমরা দেখছি একটা রাজনৈতিক দল যাদের মানুষ 2021 সালে ফুলবাড়ি ডাবগ্রাম থেকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যাদের মানুষ অপছন্দ করে, যে তৃণমূলকে 2009 সালের পর শিলিগুড়ির মানুষ একটা নির্বাচনও জয়ী করে নাই। আপনারা দেখুন 2009 সালের পর বিধানসভা, লোকসভা, পৌরসভা, পঞ্চায়েত নির্বাচন একটা তো তৃণমূল শিলিগুড়িতে যেতে নাই। তার একমাত্র কারণ তৃণমূলের যারা নেতৃত্বে আছে, যারা শিলিগুড়ি পৌর বোর্ড দখল করতে চান, যাদের নেতৃত্বে শিলিগুড়ি পৌর বোর্ড দখল করার স্বপ্ন দেখছেন, তাদের গ্রহণযোগ্যতা শিলিগুড়ির মানুষের কাছে নাই। নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এবারও শিলিগুড়িতে মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করবে। शादी समारोह से घर लौट रहे दो युवकों की सड़क हादसे में हुई मौत, एक घायल, पूरे इलाके में बना हुआ है शोक का माहौल। शादी समारोह से लौटते समय एक ही परिवार के दो युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना बुधवार देर रात राजगंज ब्लॉक के तालमा ब्रिज पर घटी। इस घटना के बाद से आमबाड़ी इलाके में मातम छा गया है। मृतकों की पहचान 28 वर्षीय शुभ दास और 25 वर्षीय मुन्ना दास के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक का नाम भजन सिंह बताया गया है। ये तीनों युवक राजगंज के आमबाड़ी के निवासी है। जानकारी के अनुसार बुधवार रात वे लोग एक बाइक से जलपाईगुड़ी संलग्न मोहित नगर इलाके में शादी समारोह में गए थे। शादी समारोह से घर लौटते समय रात करीब 1:30 बजे तालमा ब्रिज पर बाइक अनियंत्रित होकर एक वॉल से जा टकराई, जिसके चलते वे लोग सड़क पर गिर गए और यह दर्दनाक हादसा हुआ। खबर मिलते ही युवकों के परिजन मौके पर पहुंचे और तीनों को बरामद कर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। एक अन्य युवक को सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। राजगंज थाने की पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। सुनलाम कल के रात्रे एकटार समय माने एरकम एकटा एक्सीडेंट होइछे तालमा ओई कि बोले ओई जे ब्रिजेर मध्ये, तो ओखान थेके सुनलाम दुई जन बुझी मारा गेछे नाकि, आर एक जन बेचे आछे एखन कोथाय नार्सिंग होमे आछे, आर दुई जन माने मेडिकल आछे नाकि मेडिकल आछे। তো এটা একটা মর্মান্তিক ঘটনা, আমাদের খুবই দুঃখ লাগে, মানে দুঃখজনক ঘটনা এটা। অ্যাকচুয়ালি ভাবা যায় না, এটা একটা বাড়ি থেকে একই পরিবারের থেকে দুইজন লোককে এটা কোনোভাবে মানিয়ে নিতে পারছি না, এটাই আর কি। আর কী বলবো এখন, তত্ত্বটা দুটা পান এইভাবে চলে গেলো, মানে এটা একটা বিশাল। এটা তো সবাই আছে 1:30 থেকে 2:30 মাঝখানে। কোন জায় ঘটনা ঘটেছে এটা? ওই তালমা, তালমা ওখানে হয়েছে না, তালমা নদীর ব্রিজের উপরে হচ্ছে, চাওয়াই নদীর ব্রিজের উপরে হয়েছে। কি কোথায় মেরেছে ওরা ব্রিজের, এটা তো কেউ বলছে প্রত্যক্ষদর্শীদের বলা সম্ভব না, নদীটার বিষয়তেই মেরেছে মনে হচ্ছে। মানে গার্ড থাকছে, গার্ড ওয়ালে বা কিছু একটা কিছু। কয়জন ছিল এরা? ওরা তিনজন ছিল। তাদের মধ্যে কজন? দুজন মারা গেছে। কি নাম ওদের? একজনের নাম শুভ, ভালো নাম কি? শুভ দাস আর মুন্না দাস। ওরা দুই ভাই, কাকাতো ভাই, কাকাতো জানো ভাই। বয়স নাগাদ কত হবে? বয়স কত হবে? 25-26। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में नेपाली समुदाय के लोगों ने निकाली रैली। मंत्री अरूप विश्वास और तमाम नेता रहे उपस्थित। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार को मंत्री अरूप विश्वास नेपाली समुदाय के लोगों के साथ मिलकर एक रैली का आयोजन किया
और यहाँ समझाने की कोशिश की कि नेपाली समुदाय के लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ है। यह रैली सिलीगुड़ी के बागाजतन पार्क से शुरू होकर दार्जिलिंग मोड़ पहुंचकर समाप्त हुआ। रैली में मंत्री अरूप विश्वास, दार्जिलिंग जिले के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पापिया घोष सहित अन्य तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नेपाली समुदाय के विभिन्न नेता भी शामिल हुए थे। যে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ থাকেন, আমরা গতকালও দেখেছি যে মতুয়া নম শূদ্র উদ্বাস্তু মানুষেরা প্রায় হাজার বিশেক মানুষ তারা কালকে পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন জানিয়েছেন শিলিগুড়ির উন্নয়নের স্বার্থে। আজকে পুরো গোর্খা কমিউনিটি যারা আমাদের শিলিগুড়িতে থাকেন তারা আজকে সবাই রাস্তায় নেমেছেন। তারাও চান যে আজকে দীর্ঘদিন ধরে সিপিএম, কখনো সিপিএম কংগ্রেস, কখনো বিজেপি, তারা ক্ষমতায় ছিলেন কিন্তু শহরটাকে প্রায় 20-25 বছর তারা পিছিয়ে দিয়েছেন। তাই আজকে গোর্খা ভাই বোনেরা, গুরুজনেরা সবাই আজকে রাস্তায় নেমেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে। তারা চাইছেন মমতা ব্যানার্জি মানেই হচ্ছে উন্নয়ন, মমতা ব্যানার্জি মানেই হচ্ছে বিকাশ। তাই তারা তৃণমূলকে চাইছেন, তারা দুহাত ভরে আজকে আশীর্বাদ করবেন। প্রায় হাজার দশেক মানুষ আজকে এই পদযাত্রায় সামিল হয়েছেন, আমরা সেই পদযাত্রায় আমরা সবাই মিলে সামিল হয়েছি। দাদা, পা শিলিগুড়ি মানেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সম্পত্তি, আজকে প্রচারের শেষ দিনে এই মিছিল কি সে বার্তাই দিচ্ছে? অবশ্যই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবার প্রতিনিধি। আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ একটাই চাইছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে, যিনি ভাগাভাগি করেন না, যিনি সবাইকে জুড়তে শিখিয়েছেন, এবং সেই কাজটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু বাংলা নয় ভারত জুড়েই সেই কাজটা করছেন। दिनहाटा नगर पालिका के 16 में से 12 वार्डो में निर्विरोध चुने गए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार। दिनहाटा में जश्न का माहौल। दिनहाटा नगर पालिका के 16 वार्डो में से 12 वार्डो में तृणमूल उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। दिनहाटा के महकुमा शासक राणा विश्वास ने बताया कि दिनहाटा नगर पालिका के वार्ड 6, 8 और 10 में चुनाव होंगे। 12 तारीख तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। गौरतलब है कि आज नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का दिन था। स्क्रूटनी शुरू होने से पहले सीपीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा किया कि वे चुनाव से हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 वार्डों में उनके उम्मीदवार नामांकन वापस लेंगे। दूसरी ओर भाजपा उम्मीदवार 8 वार्डों में नामांकन जमा किए थे, जिसमें से 5 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। अभी तक वार्ड 6, 8, 10 की स्क्रूटनी पूरी नहीं हुई है। हालांकि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने 16 में से 12 वार्डों में निर्विरोध जीत हासिल की है, उससे स्पष्ट है कि दिनहाटा नगरपालिका में तृणमूल कांग्रेस बोर्ड का गठन होगा। दूसरी ओर दिनहाटा के विधायक उदयन गुआ ने कहा, यह जीत खुशी की जीत है। हमारा लक्ष्य 16 सीटों पर कब्जा करने का है। हमें पहले ही 12 सीटें मिल चुकी है और बाकी 4 सीटें भी हमारे नियंत्रण में आ जाएंगे। আমাদের টার্গেট হচ্ছে আলটিমেটলি 16-0, তো 12টা হয়ে গেল, আর 4টে আছে। যদি 11-12 মধ্যে কিছু হয়ে যায় তো ভালো, তাহলে পরে 27 তারিখে যে নির্বাচন হবে তাতে পরে 16-0 হবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ। এক একটা এক এক রকম অভিজ্ঞতা, কোনো সময় ভোট করে ফলটা, কোনো সময় ভোটের আগে ফল হয়ে যায়, এবার হলো ভোটের আগেই ফলাফল হয়ে গেল। মোট 6টি ওয়ার্ডে, এখানে 6টি ওয়ার্ডের মধ্যে এখানে বিজেপির 5 জন এবং সিপিএমের 4 জন এবং আইএনসির 1 জন, এনাদের নমিনেশন ক্যান্সেল হলো। তার কারণ হচ্ছে যে বিজেপির 4 জনের ক্ষেত্রে সেখানে প্রপোজাররা এসে আমাদের সামনে অন ক্যামেরা এবং লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে তারা অ্যাকচুয়ালি সিগনেচার করেননি, এবং এটাও সত্য যে তারা নমিনেশনের দিন সেই প্রপোজাররা উপস্থিত ছিলেন না। তাদের তারা জানিয়েছেন যে এখানে তাদের সাইন যেটা আছে সেটি নকল, সুতরাং নকল সাইনের জন্য আমাদের সেকশন 43 ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন অ্যাক্ট অনুযায়ী এইগুলোকে বাতিল করা হয়েছে। सिलीगुड़ी में नकली सीमेंट से लदा ट्रक जब्त, 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की भक्तनगर थाने की पुलिस ने नकली सीमेंट से लदा एक ट्रक को जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम तेंडुप तामांग और
रोशन सेंचुरी है। ये दोनों साउथ सिक्किम के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्र के अनुसार भक्तिनगर थाने की पुलिस ने बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास इलाके में सिक्किम नंबर की एक सीमेंट लदी एक ट्रक को रोका। जब ट्रक में लदे सीमेंट के वैध कागजात ट्रक से चालक से मांगा गया तो वह दिखाने में असमर्थ रहा, जिसके बाद जांच करने पर पुलिस ने सीमेंट को नकली पाया। इसके बाद पुलिस ने ट्रक पर लदे 70 बोरी सीमेंट सहित ट्रक को जब्त कर लिया और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के प्राथमिक अनुमान के द्वारा बताया गया कि काले कारोबार से जुड़े लोग नामी ब्रांड के नाम का इस्तेमाल कर डुप्लीकेट सीमेंट का कारोबार चला रहे हैं। वहीं पुलिस ने ट्रक के चालक और सह चालक को गिरफ्तार किया। वहीं आज दोनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया है, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइफ। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो, हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार, इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव, आपका भरोसेमंद चैनल। एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।